और आतिश ने यहाँ पर क्या बल्लेबाजी की भाई, आतिश ही बल्लेबाजी, दिल था नरम और खून में थी गर्मी और आतिश ने बल्लेबाजी की लय भारी और उनके लिए देखे कैच भी आया भारी। इज्जत भाई जुड़ जाइए कमेंट्री बॉक्स पर, जैसे ऊपर के शायद है यहाँ पर समाप्त होगा इनिंग से हम जाएंगे यहाँ पर आतिश के मैन ऑफ द मैच की तरफ। व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्टॉप, आते ही साथ अपने इरादे दर्शाए हैं, होम ग्राउंड पर परफॉर्मेंस है, विकेट का भी सपोर्ट साथ जरूर मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है जिसका नाम है संकेत रनाडे, डेंजर डेंजर नो डाउट, ये डेंजर बैट्समैन है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, गेंद को दिशा दी है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, दो रन के लिए निकले हैं, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। तो चलिए बात करेंगे इम्तियाज भाई यहाँ पर 100 बड़ा बिग 100 फारूक भाई, देखिए इनकी तरफ से कैच प्राइस 500 4000 कुल आतिश देखिए आपके लिए पूरा एक साथ में दीजिए, गणेश दादा उनकी तरफ से 3000, सनी दादा तुपे देखिए उनकी तरफ से 500 और फारूक भाई देखिए उनकी तरफ से 500। थोड़ा आतिश से बातचीत करते लेकिन मैच चल रहा है, कोई बात नहीं आतिश कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम चलते हैं मैच बॉक्स पर। सैजाद भाई थैंक यू सो मच, इस बार देखिए दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल एंड गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक कन्वर्ट किया था, गेंद को खेला है लॉन रीजन में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता एक रन आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा किया, सिंगल रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, नो डाउट टारगेट ज्यादा से ज्यादा बड़ा तैयार करने की कोशिश जरूर रहेगी टीम श्री मलंग वावंजे टीम। इस बार देखिए स्कूप करने की कोशिश थी, मिडल स्टंप पर पकड़े गए हैं और विकेट का हुआ है पतंग, शून्य का चश्मा पहनकर ओमकार पवेलियन की राह लौटते हुए। विकेट नंबर वन इस वक्त जरूर गिरा है बाबू शाह, हम देख सकते हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस क्षेत्र की लोकप्रिय आवाज बाबू शाह। बिल्कुल बाबू भाई, बिल्कुल मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा, ये होम ग्राउंड की टीम है, जिस तरीके से देख रहे हैं आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्पेशली संकेत है, क्या कहना चाहोगे? नहीं मैं तो यही कहूंगा भाई, राव जी चाय पीजिए कड़क और बल्लेबाजी कीजिए बेधड़क, क्योंकि वाउंजे की बात करेंगे ना बल्लेराम दादा गोंदले उनके, राव जी चाय देवी झबड़ में रहता है कड़क, तो उसी तरह से संकेत रनाडे बल्लेबाजी कर रहे हैं बेधड़क, बिल्कुल बेधड़क होकर ही बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, अब यहाँ पर आन बान शान की टक्कर है, अब यहाँ पर ये ट्रॉफी गांव में ही रहेगी या फिर गांव के बाहर जाएगी, ये ट्रॉफी को बचाना है उसके लिए करनी होगी मेहनत। बिल्कुल सैजाद भाई बात करेंगे ना, दोनों टीम नजदीक टीम है, देखिए जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर नजदीक है चिंद्रन टीम, देखिए नेक्स्ट बॉल, इस बार स्कूप किया है पैरेलल स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप वाइड मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, छह 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 रन के लिए। भाई बढ़ के मिथुन पाटिल शेर दिल वाला इम्तियाज भाई, या वाउंजे गावाची शान सार्या दोस्ताना अभिमान, या वाउंजे गावाची शान सार्या दोस्ताना अभिमान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो दर्शक बाउंड्री के अंदर आकर बैठे हैं, देखिए नेटवर्क आपको बाहर भी मिलेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाउंड्री के बाहर प्लीज चले जाएं, देखिए येलो टी शर्ट आप पे ही पूरा कैमरा है, प्लीज ग्राउंड के बाहर। सऊद भाई क्या बात है, थैंक यू, बिल्कुल कैमरामैन हमारे आपको ही कवर कर रहे थे इसलिए आप डिस्प्ले में दिखे, आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज हमें भी पता है, हम भी ध्यान रखते हैं, हर एक दर्शक हमारे लिए सौगात है इस टूर्नामेंट के लिए। समीर दादा पाड़ेकर देखिए इनकी तरफ से, खास करके राकेश पाड़ेकर के हर विकेट के लिए 500 रुपया, क्या बात है क्या बात है, हर विकेट के लिए 500 रुपए की प्राइज मनी, और देखिए इस गेंद पर किया है प्रहार, हल्ला बोल, गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। तेरी रहमतों का दरिया
व्हाट अ हिट। नाम है बल्लेबाज का मोहसिन शेख। यहां देखिए मिस टाइमिंग सो गेंद हवा में है और ये खूबसूरत कैच विकेट का हुआ है पतंग। लेकिन मोहसिन ने जाने से पहले एक बड़ा हिट जरूर लगाया। मुंबई की परिभाषा में गेंदबाज के लिए तो मैं यही कहूंगा कि झींगा देखिए जिस तरीके से रावस लिया जाता है ना, पहले लालच दीजिए और फिर वसूल लीजिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट आया लेकिन दूसरी गेंद पर डायरेक्ट आए हैं 500 रुपए विकेट के रूप में। क्या बात है, मोहसिन का विकेट जरूर गिरा है, झटका जरूर लगा है। अब देखना यह है इस झटके से उभरने में कितना समय लेती है बाबू शाह ये टीम, क्योंकि अभी भी संकेत नॉन स्ट्राइक हैंड पर है। इनके सबसे बड़े सितारे मैं तो कहूंगा संकेत। इस बार देखिए बैक टू बैक एक और विकेट का पतंग होता हुआ, एक और 500 रुपए की इनामी राशि जरूर इनके हिस्से में आती हुई। बैक टू बैक दो गेंदे, वो भी बड़े मुकाबले में अगर आप दो गेंदों पे दो विकेट लेते हो तो फिर यहां पर दबाव प्रेशर जरूर बैटिंग वाली टीम पे बन सकता है। क्या बात है, कहता है प्यार मेरा ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, तो बाजू मेरी गादी तूला जवाब लाना, लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली। सैजाद भाई देखिए बात करेंगे, बतौर लेफ्ट में गेंदबाज देखिए हमेशा अंतरराष्ट्रीय में भी घातक साबित होते हैं और इसलिए देखिए इस बार काफी लीग में टेनिस क्रिकेट में भी बतौर लेफ्ट में गेंदबाज को चुना जाता है। ऑन हैट्रिक, इस वक्त हैट्रिक पर दस्तक दे रहे थे लेकिन चलिए गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टप्पा थोड़ा सा मिडल स्टंप से बाहर की तरफ रखते हैं और लेग कटर नेचुरल जो स्विंग होती है उसका बेनिफिट जरूर राइट हैंडर बैट्समैन के सामने मिलता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज को। उसी अंदाज में यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इस बार का वेरिएशन किया था, टप्पा थोड़ा दूर रखा था, बल्लेबाज को फंसाया है और विकेट का पतंग। एक और 500 आंदो। शेर दिल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट वाला नावाचा लई बोलबाला, शेर दिल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट वाला त्याच्या नावाचा लई बोलबाला, बिजनेस ज्याचा है भाई आहे बिजनेस ज्याचा है भाई। बिल्कुल बाबूशाह, इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूं और तमाम जो दर्शक हैं दर्शकों को देखकर आज वाकई में दिल खुश होता हुआ। तमाम यहां के जो दर्शक हैं सपोर्ट करते हैं, दर्शक सहयोग करते हैं, अच्छे प्लेयर्स के लिए ताली यहां पर जरूर बजाते हैं, शानदार खिलाड़ियों के लिए वाहवाही जरूर करते हैं। गणेश पाड़ेकर सब देखिए कमेंट्री के लिए 200 रुपया उनकी तरफ से आता हुआ, लेकिन उसके साथ देखिए समीर दादा पाड़ेकर इनकी तरफ से देखिए कैश प्राइज 1500 अभी तक हासिल कर चुके हैं। राकेश पाड़ेकर जिक्र करेंगे दर्शकों के बारे में इस ऊपर के बाद। इस बार देखिए रिवर्स टोक करने की कोशिश की थी, खराब फील्डिंग, थर्ड मैन के जो खिलाड़ी थे खराब फील्डिंग जरूर देखने मिली लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहे संकेत। उन्हें पता है जब तक के मैं खड़ा हूं, जब तक के मैं टिका हूं, तब तक के मैं मैच को आगे लेकर जा सकता हूं। ओवर की हुई है इस वक्त जरूर समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है स्कोर कार्ड पर दर्शाती हुई 22 रन। कुछ देखिए थोड़ा सा रुकना चाहेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बात कर रहे थे यहाँ पर सज्जत मतलब आप कर रहे थे दर्शकों का भीड़। देखिए दर्शकों का भीड़ दो जगह होता है, कब खूबसूरत मेला या कोई रैली रहती है जब कोई नेताओं के कहते ना नेताओं की जब रैली रहती है ना इस तरह की भीड़ रहता है, लेकिन कभी कभी नेता को लगता है कि मेरा रैली सफल हो गया लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नेता का शो नहीं है, हमारे इम्तियाज भाई देखिए शेर तिल एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए इम्तियाज भाई से के लिए, आज जन्मदिन है और बड़ा तोहफा देखिए दर्शक खचाखच है और मैन ऑफ द सीरीज के रूप में तोहफा उनकी तरफ से देखिए सीरीज यानी बाइक देखिए यहाँ पर मिलता हुआ। मैं लगातार कल से अब तक यही कह रहा हूं कि जन्मदिन के तोहफे लिए जाते हैं ना कि दिए जाते हैं। यहां पर पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि जन्मदिन के अवसर पर इम्तियाज भाई तोहफा दे रहे हैं, उनका जन्मदिन है लेकिन वो तोहफा दे रहे हैं यहां पर आए हुए जो तमाम खिलाड़ी हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा मैन ऑफ द सीरीज के लिए। खिलाड़ी आएगा जरूर दूसरे किसी की गाड़ी पर बैठकर लेकिन जाएगा अपनी गाड़ी बनाकर।
बिल्कुल का, और बात करेंगे ना सहीजा सर, आज बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर श्रीलंका वांछित टीम भी देखिए यहाँ पर टॉप फोर में पहुंचने के बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है, यानी उनकी देखिए होम ग्राउंड पर खेलने का बेनिफिट फायदा और दर्शक भी देखिए तादाद था। और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे चिंद्रन अपना वो भी होम मानेगा नजदीक की टीम है, निश्चित रूप से बढ़िया मुकाबला। और इससे बेहतर बात है आप यहाँ से मुकाबला जीतते हो ना सीधा गोटेगर बॉल टीम देखे मजबूत टीम शाहपुर विभाग से, और उस टीम के साथ आपको खेलने का मौका रहेगा। इस बार गेंद को खेला है डीप वाइडी स्पीड विकेट में, दो रन के लिए निकले हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, ओहो क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट संकेत, क्या दौड़ लगाई विकेटों के बीच में, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि इस वक्त कोई शेर छूट चुका है जंगल से। यस यहां पर रनों की रन संख्या पर भी नजर जरूर रहेगी, स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर, स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 26 रन। इस बार जरूर अपील की गई है संकेत, अभी भी खड़े हैं विकेटों के बीच में। क्रिकेट में मैं अक्सर कहता हूं तीन चीजों का योगदान, अगर आप बड़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो बाबूशा तो तीन चीजों का योगदान होना जरूरी, सबसे पहला तन, दूसरा मन और तीसरा धन। अगर ये तीनों चीज का योगदान प्रॉपरली आपने किया तो आप बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता के चैंपियन कहलाए जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मजबूत इरादा और खुद से ज्यादा मेहनत और यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाते हुए गेंदबाज और राकेश पाड़ेकर के जो गेंदबाजी रही, इसी कारण यही रहा T20 वर्ल्ड कप में शाम कुरान मैन ऑफ द सीरीज बने और 1850 करोड़ में देखिए आईपीएल में उनके बोली लगे, कारण लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने राइट हैंड बल्लेबाज की पसीना छूटती है। लेकिन संकेत रानाडे देखिए भाई ये बता रहे हैं हम कॉर्बे लॉर्ड में ये मैच जीतवे भाई, ये तैयार है लड़ने के लिए हमेशा, केकेआर के फैन हमेशा कहते हैं आईपीएल में, लेकिन यहां पर वाउंजे के फैन भी यही कहेंगे भाई संकेत अभी जिंदा है, एंड्रू फिनटॉप का शो चलता हुआ 4 रन। इस बार बिग हिट, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, लेकिन ये कैच हुआ है हाथ से ड्रॉप, जीवनदान मिला है, क्या बात है, बेहतरीन एफर्ट बेहतरीन कोशिश रही संकेत की, हर बॉल पे रन की चाहत है, उन्हें पता है ये ग्राउंड हमारा है, ये सरजमी हमारी है, ये विकेट हमारी है, इस विकेट पर परफॉर्मेंस करना है हमें। संकेत अपनी टीम के लिए पसीना बहाते हुए, संकेत अपनी टीम के लिए मेहनत करते हुए, बाबू शाह ये जरूर आपको भी पता है, तमाम दर्शकों को भी पता है, सोना दिखने में बहुत खूबसूरत होता है लेकिन उसको जब बनाया जाता है, उसको जिस तरीके से तपाया जाता है, जब जाकर उसकी कीमत इतनी होती है। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला है, स्ट्राइक को रोटेट किया है, उन्हें पता है कि अब यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखनी है क्योंकि बची हुई 6 गेंदें शेष हैं, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 33 रन है। अब ये जो 6 गेंदों का खेल बचा है बाबूशा, इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है कि मुंबई की परिभाषा में, ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, बल्लेबाज जो भी मिलेगा उसे खाओ देखेंगे, क्योंकि इस वक्त अब रनों की कद्र होगी, अब आने वाली जो 6 गेंदे हैं यहां से 15 या फिर 10 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है तो एक फाइटिंग स्कोर के पास पहुंच सकती है टीम वामन जे। नहीं बिल्कुल देखिए 33 की जरूरत है, टाइमिंग की बात बता रहे हैं क्या पर 33 बता रहा हूँ, अभी भी 33 बोल रहा हूँ। तो चलिए खिलाड़ी का देखिए बात करेंगे, ये गजनी पिक्चर से भी खतरनाक उनका याददाश्त है, 33 अभी भी मैं बताया गजनी पिक्चर में 15 सेकंड में आमिर खान का याददाश्त जाता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में खिलाड़ी का हर सेकंड में याददाश्त गुम हो जाता है, इतना प्रेशर रहता है क्योंकि कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है सहजा सर, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, 33 से 50 भी पहुंच सकता है, 33 से 40 भी पहुंच सकता है, लेकिन जो बेहतर मेहनत करेगा शायद वो कामयाब हासिल कर सकता है। कहती ना समंदर की पानी से तस्वीर नहीं बनती है और बगैर मेहनत से तकदीर नहीं बनती है, मेहनत करना होगा तब तकदीर बनाना होगा, लेकिन जब तक संकेत रनाडे हैं मिस्टर एंड्रू फिनटॉप है कहूंगा थोड़ा सा परेशानी दिक्कत रहेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सोमिलेबस चिंद्रन टीम ने कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी लीजिए बल्लेबाजी लीजिए और केतन कड़ू देखिए टीम के रेड के हड्डी कहा जाते हैं और वो गेंदबाजी के लिए आए, यानी दो फाइटर, यानी दोनों टीम की बात करेंगे ना तू शेर तुम्हें बब्बर सर, नो डाउट मुकाबला मजा आएगा 6 गेंद।
नेक्स्ट बॉल और ये हेलीकॉप्टर, ओ हो हो, गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार, ये आता हुआ दर्जेदार षटकार। धन्यवाद डीजे सैजा सर, देखिए मैंने पहले जिका कर दिया था। बलराम दादा गोंदले, देखिए राव जी चाय कड़ेकर यहाँ पर संकेत रनाड़े बल्लेबाजी कर रहे हैं बेधड़क, और शॉर्ट सिलेक्शन देखिए कितना कमाल का था, जिसे कितना नाजुक नाजुक हल्की हल्की वही संकेत की यहाँ बल्ला झलके, और देख के हर ऊंचा वाला बोले हुल्लाला हुल्लाला, क्या कहना चाहोगे, व्हाट अ बैट, इट्स मजा आ गया। लेकिन स्केतन कड़ू देखिए ये गिरकर उठना भी जानते हैं। बिल्कुल जरूर, ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एफर्ट दर्शाता हुआ इस बार देखिए एक और बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश कर रहे थे, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, एक पैर पॉपिंग क्रीज के बाहर निकालकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद रही वाइडी शॉकर के रूप में, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा रखा था, तेज तर्रार गेंद थी और गेंद इस वक्त रही डॉट के रूप में। केतन कड़ू आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, फील्डिंग की व्यू रचना देख सकते हैं। संकेत के लिए डीप में खिलाड़ियों को तैनात किया गया है, मिड विकेट डीप काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन, इस तरीके से लेग साइड की व्यू रचना, टॉप एज लगा है और ये कैच बना है, ये कैच नहीं मैं तो कहूंगा कि मैच बना है, एक बड़ा सितारा एक स्टार खिलाड़ी संकेत आउट होकर इस वक्त पवेलियन की राह लौटता हुआ। सैजा सर मैंने पहले जिक्र किया था जैसे छक्का खाए थे गेंदबाज, क्योंकि गिरकर उठना केतन कड़ू जानते हैं, लेकिन जब दो शेर के बीच में टक्कर होता है ना फिर मुकाबला ऐसा होता है। मौका है इस बार डीजे मास्टर के पास चलते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के लिए एक नए बैटर क्या इतना आसान रहेगा। सपोर्ट वाला 6652 नंबर वाला शेरदिल ट्रांसपोर्ट वाला एमआरडीसी मध्ये फेमस आय मित्र जीवाचा जीव लग हाय वावजे गावचा इम्तियाज भाई मित्र जीवाचा जीव। बिल्कुल हमारे इम्तियाज भाई का आज जन्मदिन बाबूशाह, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है, और ये दोनों ही चीजों का जब मिश्रण हो तो इम्तियाज भाई जैसा एक इंसान मिलता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मान क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे यानी सिर दिल। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक था, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, दो रन का डिमांड है, रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर देखिए बैकअप नहीं था, एक रन की जगह दो रन दौड़कर पूरे किए, अच्छी रनिंग मिनट द विकेट है बाबूशाह, मैं तीन रन दौड़कर पूरे किए, बैकअप नहीं था। हम अक्सर कहते हैं क्रिकेट हो या जिंदगी हो आपके पीछे बैकअप होना जरूरी, अगर आपके पीछे बैकअप नहीं तो आपका बैकअप तय। बिल्कुल, इसलिए तो इम्तियाज भाई आज कामयाब है, कहते हैं ना जब भी मैं माँ बाप की दुआ लेकर घर से बाहर निकलता हूँ महसूस ये होता है कि जन्नत में होता हूँ। बेशक बेशक, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बाबूशाह। मैं तो इम्तियाज भाई के लिए यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह दो ही है, या तो किसी के दिल में रहो या फिर किसी की दुआ में रहो, और इम्तियाज भाई ये दोनों ही जगह हमेशा रहते हैं, और इसीलिए इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें हम सबको जोड़ते हैं, तो स्पेशली थैंक्स। चलिए रनों के लिए निकले थे जरूर, और यहां पर मेरे ख्याल से रनों की रन संख्या जा पहुंची है 43 रन स्कोर कार्ड पर, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 43 रन 43 रन। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, ऑन द राइज खेला था गेंद को, गेंद जाती हुई शॉट काउ कॉर्नर के रीजन में, थ्रो देखिए, ओहो, तीसरे रन की मांग है, लेकिन चलिए दो रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। थ्रो की अगर बात करें बाबूशाह, जिस तरीके से गए कोरियर वाला एड्रेस ढूंढता है, जिस तरीके से पोस्टमैन एड्रेस ढूंढता है, उस तरीके से यह थ्रो गेंदबाज को ढूंढता हुआ नजर आया, और फायदा हुआ है दो रन का ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर चार ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम वामनजे का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 45 रन, टारगेट रखा गया 46 रन का। चलते हैं यहां पर स्वागत और सत्कार की तरफ, आपका रुख करते हैं, स्वागत और सत्कार की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया पूरी करेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर बाबू शाह। तो चलिए चलेंगे यहां पर मेहमान नवाजी की तरफ, इम्तियाज भाई जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से यहां पर
हर मेहमान के साथ आज इनका जन्मदिन है और सैजाद भाई कॉमेंट्री बॉक्स में योगेश मड़वी सर भी निश्चित रूप से। तो चलिए चलेंगे अगले सम्मान की तरफ। सैजाद भाई कहते हैं ना, हर डबल क्रॉस एक धोखा होता है, क्रिकेट में जैसे हर बाउंड्री चौका होता है, तो मेहमानों को भी उसी तरह के सम्मान करने का एक मौका होता है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर के जिन एंटरप्राइजेस के नेचर से ओनर से समझ से सबसे गुजारिश करना चाहेंगे। नेरल से देखिए पर तस्वीर रखे हैं समझ से, अब शायद नेरल टीम जब आई थी शायद जुड़ नहीं सके, शायद बड़ी बिजनेस में बिजी थे। हमारे सतीश दादा पाटिल देखिए बात करेंगे, बहुत बहुत दादा आपका स्वागत निश्चित रूप से। आउट ऑफ काउंट्री घूमना पसंद करते हैं हमेशा, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे फैमिली के साथ हो। और WPL में देखिए इनका बड़ा योगदान रहता है निश्चित रूप से। हमारे गणेश शिक्षक भी देखिए WPL के कमेटी के निश्चित रूप से एक बड़ा विक्स हो आने वाला समय वक्त में। समझ शिक्षक देखिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया निश्चित रूप से। फिरोज खान साहब आइए, आपका भी सम्मान किया जाएगा। फिरोज खान साहब आइए निश्चित रूप से, परंपरा आए हुए मेहमानों का खातिरदारी करना। मेहमान नवाजी में कुछ कमी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भाई का आज देखिए बर्थडे है और उसके साथ देखिए बात करेंगे। बड़ों से ये सीखे हैं निश्चित रूप से कि आए हुए घर पे मेहमानों का खातिरदारी करना। आज देखिए इम्ताज भाई के ससुरबाड़ी से देखिए आज इतने सारे मेहमान बैठे हैं, जमाई निश्चित रूप से बात करेंगे। रुंदा गांव के इम्तियाज भाई, मुन्ना भाई से क्या थक चुके हैं मुझे लग रहा है, बहुत कड़ी मेहनत लिए हैं। बाली शेख साहब देखिए आज अलग अंदाज में है बाली शेख साहब, और हमेशा इनका लुक बदलता रहता है। चलिए सैजाद शेख सर की तरफ परिचय जुड़ेंगे, लेकिन फाइनल मैच में योगेश मड़वी सर तो चलिए चलेंगे यहाँ पर मुमरा से देखिए हमारे सैजाद भाई से क्या खास करके स्पेशल हमारे कमेंटेटर से, इसलिए मेहमान है उनके ज्यादा मेहमान नवाज हो रहे। सैजाद सर चलिए कदम बढ़ाइए आगे, जहाँ पर टारगेट की बात करेंगे। यस, टारगेट की अगर बात करें 45 रन यहां पर किए थे कंप्लीट। इस बार देखिए स्कूप बिल्कुल हिट किया है, पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। जीवाता जीव लग दिलासा दिलदार प्रेमळ स्वभाव सादा, भूमि पुत्र हाको पर गांवचा युवा पुढारी कांदा। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक, क्लासिकल स्ट्रोक था, क्रैकिंग स्ट्रोक था, गेंद को खेला है जरूर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और थ्रो की जितनी तारीफ करें उतनी कम, बहुत ही बढ़िया। यस, लगातार 3 6 के लिए प्राइज मनी आई है। गणेश पाटिल साहब की तरफ से, पाड़ेकर, गणेश पाड़ेकर साहब की तरफ से 3 गेंदों पे 3 6 के लिए ₹500। इस बार देखिए ओहो, डेढ़ ग्राउंड पार, यह आता हुआ खंड खंडित षटकार, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। यस, मेरे साथ योगेश जी मड़वी साहब जुड़ चुके हैं।
इस बार देखिए, ओहो नजाकत देखिए, टाइमिंग देखिए, प्लेसमेंट देखिए, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ दर्जेदार चार रन। शहजाद मुकाबले की बात करेंगे तो 46 बड़ा टारगेट नहीं और छोटा भी नहीं है, संघर्ष दोनों टीम को करना होगा। कहते नहीं कि संघर्ष किस्मत की रेखा बदलता है, बुरे वक्त का वक्त बदलता है, जिसके पास हो कुछ करने का हौसला वही इतिहास वही धरती का भूगोल बदलता है। ओ बेहतरीन शॉट, फिर एक बार फ्लैट एट पैरेलल स्ट्रोक और गेंद जाएगी इस बार बैक पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद। चेरन इम्तियाज भाई वावंज वाला, उम्मीद सी फूड बिजनेस वाला, इम्तियाज भाई वावंज वाला, उम्मीद सी फूड बिजनेस वाला, डबल सिक्स फाइव टू नंबर वाला। थैंक यू जैसे केतकी नरेश फराड़ इनके तरफ से, यदि ये मुकाबला जीत लेती है वावंजा क्रिकेट टीम तो यहाँ पर उनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम होगा। शहजाद पहला ही मुकाबला सेमीफाइनल सेकंड सेमीफाइनल की बात करेंगे तो 46 का टारगेट था, पहली ओवर चिंद्रन टीम मुकाबला जीतेंगे तो केतकी नरेश फराड जो चिंद्रन से बिलोंग करते हैं इनकी तरफ से यदि ये मुकाबला चिंद्रन टीम जीतती है तो यहाँ पर 2000। खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहे, शायद अपना ही साथी आज वावंजा के खिलाफ अपने खिलाफ है क्या, तो सॉरी दिलगरी, बिल्कुल सॉरी, हम जरूर कहेंगे क्योंकि ये इनाम चिंद्रन टीम के लिए है। यदि ये मुकाबला जीतते तो केतकी नरेश फराड इनके तरफ से 2000 का इनाम। 26 रन आए, शहजाद क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल काफी महंगा ओवर योगेश जरूर रहा, जिस तरीके से 26 रन आए हैं। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई, डबल रन के लिए निकलना चाह रहे हैं, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिलती हुई, गुड कोऑर्डिनेशन गुड कॉम्बिनेशन दोनों ही प्लेयर्स के बीच, इशारों इशारों में यहां पर 2 रन लेने में सक्षम और कामयाब रहे जरूर बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रनों पर। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद की थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार फुल एंड गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है वाइड स्पिन विकेट जोन में, 1 रन जरूर यहां पर कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। योगेश ये एक अच्छी बात है कि यहां पर हर गेंद पर रन की चाहत लेकर उतरे हैं, उन्हें पता है हर बॉल पर रन को कंप्लीट करना है, रनों को चुराना है, जिस तरीके से पहली ओवर में टूट पड़े थे, पहली ओवर लेकर आए थे गेंदबाज निखिल की इस ओवर में 26 रन जो आए हैं ना वो मैच में पकड़ बनाने में सक्षम और कामयाब रही टीम जरूर जरूर बैटिंग वाली टीम। इस बार देखिए लेट कट करने का प्रयास कर रहे थे, कट करने की कोशिश कर रहे थे, लेट कट जो स्ट्रोक होता है इसके लिए आपकी पहनी निगाहें होना जरूरी, बिल्कुल अगर सही तरीके से आपने यहां पर लेट कट नहीं किया तो फिर आपका कटलेट जरूर बन जाता है। नेक्स्ट बॉल इस बार ऑन द राइज खेला, मिस टाइमिंग स्ट्रोक डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। बिल्कुल विकेट का पतंग हुआ है रनों की रन संख्या दर्शाती हुई इस वक्त जरूर 29 रनों पर, स्कोर कार्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर। यस नेक्स्ट बॉल, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की है, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 1 बाउंस सीमा रेखा पार, गेंद आती हुई एक और दर्जेदार चार 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 रन के लिए। जाने वाली जा सहतर केला,
चलिए दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन्स। Yes, 33 रन्स हो चुके हैं योगेश। अब बची हुई मेरे ख्याल से 12 गेंदे हैं और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। शहजाद शायद यहां से पहला ओवर जो रहा था ना, काफी महंगी गेंदबाजी की थी निखिल जिन्होंने 26 दिए। उसके बाद इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में कुल मिला के केवल रन आए 7 रन आए इस ओवर से। रन संख्या की बात करेंगे 33 रन 13 की जरूरत है। आखिरी ओवर ये निर्णायक ओवर रहेगा। दूसरा ओवर देखा जाए तो यहाँ पर काफी बेहतरीन रहा था गेंदबाज का, मगर संकेत ने जो गेंदबाजी की है वैसी गेंदबाजी रही। एकाध दो विकेटें निकल जाती है तो भी मुकाबले में पलटवार हो सकता है। बिल्कुल पलटवार करना ही होगा क्योंकि आपकी होम ग्राउंड टीम है, आप इसी सरजमी के खिलाड़ी हो, आपको देखने के लिए आपका पूरा गांव यहां पर मौजूद है। अब यहां पर थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तब जाकर बात जरूर बन सकती है। लेकिन पहली ओवर में योगेश जो रनों की रन संख्या बढ़ी है, लूटी गई है, वो काबिले तारीफ रही बैटिंग यूनिट टीम की तरफ से। तर भरत पालकर साहेबांचं एकणे आगमन झालंय। भरत जी पालकर साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत सैदी ट्रॉफी मध्ये यावं आपण व्यासपीठावरती। आपलं मनपूर्वक स्वागत सैदी ट्रॉफी 2023 शेवटचा टप्पा तुम्ही एन्जॉय करतात या स्पर्धेमध्ये। आपण पाहिलं तर या स्पर्धेत तब्बल 34 संघांचा समावेश, 36 संघांचा समावेश आणि त्यानंतर आपण पाहतोय त्या 36 मधनं 4 संघ यशस्वी राहिले जे टॉप 4 मध्ये आलेत आणि त्याच्यातनं आता 2 संघ मेगा फायनल मध्ये पाहायला मिळतील। याचसाठी केला होता टास की शेवटचा दिस गुड बाबा आणि शेवटचा क्षण आपण एन्जॉय करतात मित्रांनो। सेमी फायनल नंतर मेगा फायनल गोटेगर बी संघ शहापूर तालुक्यातनं बिलॉंग करणारा संघ आज मेगा पाण्यामध्ये पोहोचलाय, परंतु आपल्या याच परिसरातले हे 2 संघ आहेत त्याच्यातनं 1 संघ जाईल मेगा पाण्यामध्ये। कोणता संघ जाईल मेगा पाण्यामध्ये? 46 टार्गेट मॅच मध्ये येतात। मी म्हणेन रोहन निलंबन टीम चंद्रन संघानं मजबूत स्थिती निर्माण केली आहे। मान्य श्री भरतजी पालकर साहब की तरफ से है बॉलर के लिए प्राइज मनी हैट्रिक पर 1000 रुपए। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश की थी, 1 रन के लिए निकले हैं। पॉइंट में 38 सर्कल में खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड किया, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। यहाँ पर अब रन किसी भी तरीके से आए योगेश जी। यस, चंद्रन टीम के पैकर है हमारे पद्माकर जी जाधव साहब जो निवाली पाड़ा से बिलोंग करते हैं। आइए पद्माकर जी जाधव आपको हम स्वागत करेंगे मंच के ऊपर, आपको हम आमंत्रित करते हैं। आइए आपका स्वागत है सैदी ट्रॉफी में। बिल्कुल शेर दिल ट्रॉफी वाजब 2023 बिग फाइट टूर्नामेंट, काफी बड़ी इनामी राशि 1 लाख रुपए रोक रकम और ये आन बान शान की ट्रॉफी के लिए चलती हुई जंग। इस बार देखिए लेट कट किया है, पॉइंट और गली के बीच की जो दरार थी गेंद उसमें से फरार 4 रन के लिए। जोड़ीला भाई शाहिद शेख मुन्ना शेख है कार्याध्यक्ष बाली शेख उप कार्याध्यक्ष। जीत के लिए अभी भी 7 रनों की जरूरत है, आवश्यकता है, 9 गेंदे शेष। इस बार देखिए टॉप एज फुल टॉस गेंद थी, ताकत के साथ बैट को स्विंग किया था लेकिन बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद कीपर के हाथों में चिपकती हुई नजर आई, विकेट का हुआ है पतंग। यस, स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पर। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये क्लासिकल ड्राइव था, बहुत ही बढ़िया तरीके से कलाइयों का यहां पर उपयोग किया, कलाइयों को मोड़ा और गेंद को दिशा दी है डीप मिड विकेट रीजन में। सिंगल रन आसानी के साथ यहां पर कंप्लीट किया गया, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां पर मैच में आहिस्ते आहिस्ते पकड़ बनाती हुई बैटिंग यूनिट टीम।
नेक्स्ट बॉल इस बार ऑन द राइज खेला, स्टेट ड्राइव, गेंद जाएगी स्क्रीन पर चार रन के लिए। चलिए कैप्टन्स गोटेकर बी टीम कैप्टन लगेज से ऐसा टॉस सेटिंग, फाइनल मैच है, फाइनल शोडाउन है, मैं रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज लगेज से टॉस सेटिंग ग्राउंड के बाहर से है, प्लीज कृपया करके ग्राउंड के बाहर से है, मैच ऑन है, अभी भी दो रन की जरूरत है, दो रन दूर। और सेकंड जो टीम है वो फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बनेगी। छह गेंदे और दो रन, छह गेंदों में दो रन की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए, छह दो का ये मुकाबला। इस बार देखिए ये हिट और टीम सुपर डुपर हिट, कांग्रेचुलेशन टीम चिंद्रे, आप फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बनते हुए कांग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड गाइस एंड हार्ड लक टीम वाजवे, हार्ड लक संकेत एंड ऑल टीम मेंबर्स, वावनजे टीम हार्ड लक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अपनी होम ग्राउंड सर जमी पर, लेकिन जीत एक की तय थी और वो जीत की हकदार टीम बनी है जरूर जरूर चिंद्रन टीम, वेल प्लेड गाइज। यस कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ योगेश जी जुड़ेंगे और बाबू शाह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनल मैच की कमेंट्री इन दोनों की जुबानी आप जरूर सुनिएगा। ओवर टू तो बाबू शाह। सज्जा सर पहले इनिंग में जुड़ जाइए हमारे साथ अगर आपके पास समय है तो, सेकेंड इनिंग में योगेश मडवी सर बहुत बढ़िया आपके कॉमेंट्री लुभाया, तो चलिए आइए दोनों कप्तान टॉस करने पर है, लेकिन इस मैच का मैन ऑफ द मैच तो चलिए बात करेंगे, कहते हैं ना तोता उड़ा पंजाब और जा पहुंचा कश्मीर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं दिया तकदीर, 26 रनों का इनिंग्स तकदीर पाड़ेकर इस मैच के मैन ऑफ द मैच। राकेश पाड़ेकर आप भी आइए यहाँ पर, समीर दादा पाड़ेकर इनकी तरफ से आपके गेंदबाजी के लिए जो तीन विकेट लगातार 1500 रुपए के आसपास जाता हुआ। तो केतकी नरेश फराड इनकी तरफ से भी बाबू 2000 का इनाम है टीम चिंद्रन के लिए, कप्तान आइए। क्या बात है नरेश फराड़, देखिए चिंद्रन टीम के कप्तान आइए और टीम के देखिए बात करेंगे, पद्माकर यादव साहब देखिए बात करेंगे, नेवाली पढ़ाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, कलिंगर खाइयो बेलना का स्टॉपर जाकर रहे, लेकिन उन्होंने देखिए इस टीम को पैकर किए थे सोम इलेवन से, रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन टीम है और इस मैच का मैन ऑफ द मैच है तोता उड़ा पंजाब जा पहुंचा कश्मीर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं दिया तकदीर, और श्रीलंका ऑन जे टीम हार्ड लक लेकिन ट्रॉफी तक पहुंचे हैं। टीम के लिए अजय कड़ू को देखिए 2000 दिया जाता है पूरे चिंद्रन टीम के लिए, नरेश दादा फराड़ और तकदीर आई इस मैच का मैन ऑफ द मैच तकदीर।